हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोली पॉइंट। दोस्तों, जहांगीर अली खान जो कि सैफ अली खान और करीना कपूर का बेटा है, उसके हवाले से इंतहाई दर्द भरी सैड न्यूज निकल कर सामने आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद यकीनन आप भी अपने होश कुछ देर के लिए खो बैठेंगे, मगर वीडियो की तफसील पे जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मजीद बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे लतेज न्यूज हासिल करने के लिए हमारे चैनल बोली पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि सैफ अली खान और उनकी फैमिली का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद जहांगीर अली खान को काफी चोटें भी आई थी। लेकिन अब जहांगीर अली खान के बारे काफी ज्यादा मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि जहांगीर अली खान जख्मों को बर्दाश्त न कर पाए और वो इस फानी दुनिया से इंतकाल कर चुकी हैं, यानी कि वो चल बसे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये तमाम बता रहा हूँ कि ये तमाम खबरें झूठी हैं। सिर्फ और सिर्फ लोग व्यूज लाइक्स हासिल करने की खातर ऐसी झूठी खबरें फैला रही हैं। लेकिन हकीकत में बात दरअसल कुछ यूं है कि जहांगीर अली खान का इस वक्त अस्पताल में ट्रीटमेंट जारी है। उनको काफी चोटें आई थीं, इसलिए उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, मगर उनकी मौत की खबरें झूठी हैं। मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल बोली पॉइंट को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।